दोस्तों, क्या आप भी फेसबुक का नोटिफिकेशन अपने जीमेल एंड एसएमएस में पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक का नोटिफिकेशन जीमेल एंड एसएमएस में कैसे पाए? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, जब आप कोई भी वीडियो या इमेज फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड पोस्ट करता है, या फिर कोई व्यक्ति आपके वीडियो को लाइक या कमेंट करता है, तो वह नोटिफिकेशन आपके एसएमएस एंड जीमेल आईडी पर आएगा। ये वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। क्या आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं? तो आप हमारे इस नाज मॉनिटर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे दोस्तों आपको राइट आप कॉर्नर पर थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे फिर से सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पहले नंबर पे पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फेसबुक अकाउंट में ऐड है या नहीं। तो इसे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे कॉन्टेक्ट इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। इस यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड है। अगर आपका ऐड नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में हमारा दूसरा वीडियो मिल जाएगा, आपको उस वीडियो में मोबाइल नंबर फेसबुक से ऐड कैसे करना है सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको व्हाट नोटिफिकेशंस यू रिसीव, यानी आप किस किस चीज़ का नोटिफिकेशन अपने ईमेल एंड फ़ोन नंबर पे पाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। कमेंट्स, टेक्स्ट, रिमाइंडर्स, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बर्थडे ग्रुप, तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी पे टिक, ईमेल आईडी एंड एसएमएस में टिक है या नहीं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे टिक नहीं, आईडी और एसएमएस का दोनों को इसको टिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स में भी देख लेना है, यहाँ पे देखिए हमारा इसमें भी टिक नहीं, इसमें भी टिक कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, हमारा देख लेते हैं, ग्रुप में भी हमारा टिक नहीं, इसे टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो कॉल में भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा टिक नहीं, इसको टिक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे आपको जहाँ जहाँ टिक नहीं है वहाँ आप टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगा वेयर यू रिसीव नोटिफिकेशन, आप किस पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे पुश है तो समझो फेसबुक के अंदर ही आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी। तो दोस्तों, इस पर यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो ईमेल आईडी आप ऐड करेंगे वो ईमेल आईडी यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये सब यहाँ पे आपको पुश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चाहे तो इसे इसका नोटिफिकेशन कुछ समय के लिए बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको समय मांगेगा कि आप कितने मिनट के लिए यहाँ पे इसे बंद करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आप 8 घंटा, 4 घंटा जो भी चूज़ करना चूज़ कर सकते हैं। फिर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऑन कर लेना है। तो दोस्तों, हमें ऑन नहीं करना, इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा एसएमएस में मोबाइल नंबर आपका, अगर आप मोबाइल नंबर ऐड रहेगा तो आपको, अगर नहीं ऐड है तो यहाँ से आपको जाकर यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर डालकर इसे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।